ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आज दीवा में सैकड़ों लोगों ने मोर्चा निकाला। बिजली की आंख मिचौली, उसके बाद 10-10 दिन तक दीवा में लाइट ना आना, जिसको लेकर दीवा वासियों का क्रोध देखने को मिला। और शिवसेना के तरफ से आज सुबह से मोर्चा निकाला। भारी बारिश में लोग छतरियों के सहारे इस मोर्चे में सैकड़ों की तादाद में विरोध प्रदर्शन करते रहे। हालांकि शिवसेना एक सत्ताधारी पार्टी है, ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ठाणे में शिवसेना का सत्ता है और शिवसेना बीजेपी की गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं हम जरूर कह सकते हैं सत्ता में रहने वाली पार्टी को मोर्चा निकालना क्या दर्शाता है। बहरहाल मोर्चा निकाला गया है और अब तक हमेशा महावितरण के अधिकारी बिजली की समस्या को लेकर आश्वासन ही देते नजर आते हैं। ये देखना होगा आज जो आश्वासन दिया गया है ये कितना खरा उतरता है दीवा वासियों के लिए। और हम सीधा आपको ले चलते हैं, हमारे साथ इस्लामुद्दीन खान जुड़ चुके हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम इस्लामुद्दीन से जानते हैं, इस्लामुद्दीन, भारी बारिश में लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या मांग है लोगों की, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी फिरोज, जिस तरह से बता दें आपको कि जी बिजली की जिस तरह से समस्या है मुमरा और दीवा में, तो उसको लेकर दीवा के लोगों ने जो है शिवसेना के तरफ से जो है एक मोर्चा निकाला गया था और बिजली को लेकर कि बिजली जो है बराबर नहीं आ रही है, लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, जिसको लेकर दीवा के रहने वालों लोगों ने जो है एक मोर्चा निकाला था। ये मोर्चा जो है आज महावितरण कार्यालय पर जाना था, लेकिन लगातार बारिश 18 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से महावितरण के कार्यालय पर जो है पानी भरा हुआ है, जिसके लिए वहाँ के अधिकारियों को, जो एग्जीक्यूटिव हुंडीकरी हैं, उनको जो है यहाँ पर सील फाटा परिसर में बुलाकर जो है उन्हें इन लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। और बिजली कटौती को लेकर जिस तरह से लगातार मुमरा और दीवा के लोग परेशान हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब टोरेंट जो आने की बात सामने आ रही है, जब से टोरेंट आने की बात सामने आई है तब से महावितरण की तरफ से कह सकते हैं एक तरफ से कि लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। जिस तरह से शहर में केबल वायर खुले पड़े हुए हैं, उसकी भी मरम्मत नहीं की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है महावितरण की ये लापरवाही भी, लोगों का कहना है कि टोरेंट आने की वजह से जो है महावितरण जो है लगातार बिजली की कटौती कर रही है और मरम्मत कार्य भी नहीं कर रही है। जिस तरह से यहाँ देखा जा सकता है कि बहुत भीड़ यहाँ पर है, जो दीवा के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और मोर्चा लेकर यहाँ पर आए हैं। हालाँकि ये मोर्चा जो है महावितरण पर जाने वाला था, लेकिन ये मोर्चा जो है सील फाटा में ही रोक दिया गया है। यहाँ पर जो है मेमोरेंडम भी दिया गया है। जो महिलाएं यहाँ पर हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का जो है ये आंदोलन लेकर यहाँ पर आज आई हुई हैं, कि जिस तरह से लगातार बारिश जारी है, लेकिन इसके बावजूद जो है दीवा के लोग बिजली की जो समस्या है, लगातार जो बिजली काटी जा रही है, उसको लेकर जो है इन लोगों ने एक मोर्चा निकाला था और महावितरण पर जो है पानी भरने की वजह से उस मोर्चे को यहाँ सील फाटा परिसर में ही रोक दिया गया। और यहाँ मेमोरेंडम भी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुंडीकरी को दिया गया है। क्या बात हुई है उनसे, यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की बिजली की समस्या आ रही है। बिजली एक बार जाती है तो 15-15 दिन नहीं आती, बिल तो आते रहता है 1.5-1.5 हज़ार महीने का, वो हम लोग भरते रहते हैं, पानी नहीं मिलता है बिजली की वजह से, और बहुत समस्या है। मतलब अभी बिजली का ये लोग ले गए कि हम अभी बिजली तुमको बराबर देते तो ही ये मोर्चा हम लोग हटाने वाले, नहीं तो हम लोग हावे रोड पे जाके बैठने वाले। अभी क्या आश्वासन आप लोगों को क्या दिया गया है? अभी तक तो हमको कुछ नहीं मिला है। अभी साहब अंदर गए हैं, अभी उधर क्या होता है क्या पता नहीं, वो बाहर आएगी तभी हमें मालूम पड़ेगा। तो जिस तरह से सुना आपने कि जो है मेमोरेंडम देने के लिए अभी यहाँ से गए हुए हैं लोग, अभी मेमोरेंडम दिया नहीं गया है, मेमोरेंडम देने के लिए लोग गए, उसके बाद इन्हें क्या आश्वासन मिलता है? लेकिन बिजली की समस्या जिस तरह से बरकरार है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि बिजली ना होने की वजह से पानी की भी समस्या सामने आ रही है, और भी महिलाएँ यहाँ पर हैं। समस्या बहुत सारी है दीवा में, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, अभी जो इम्पोर्टेंट समस्या जो हम लोग सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं वो लाइट की समस्या है। बच्चे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, बारिश है, आए दिन लाइट जाती है, एक बार गई तो वापस आने के लिए देखना पड़ता है कब आएगी। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, ये लोग बहुत कम कमाई में अपना घर चलाते हैं, अगर ये लोग हर महीने 2-2.5 हज़ार रुपये केवल बिजली का बिल भरेंगे तो ये लोग घर कैसे चलाएंगे? और इतना बिल भरने के बावजूद भी अगर बार बार लाइट जा रही है तो MSEB क्या कर रही है? इस बारे में शिवसेना ने ये मोर्चा निकाला हुआ है, हमें इस बात का एकदम प्रॉपर जवाब चाहिए। या तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो या तो फिर आप यहाँ से चले जाओ, पुरिया बिस्तर बांधो आप निकल लो। हम तुम्हारे साथ।
तो जिस तरह से आपने सुना कि जो महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी कर रही हैं, और जो दीवा के नगर सेवक हैं हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जाधव। किस तरह की लोगों को समस्या है बिजली की, बिजली ना होने की वजह से पानी की भी समस्या है, आज इतना बड़ा जो है मोर्चा निकाल कर आप यहाँ पर आए हुए हैं? ये मोर्चा शिवसेना के वती से ही निकला है। मड़ी श्री उप महापौर मड़ी साहब इस मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं, आराम सभी उनके साथ है। जनता कितना सहेगी, एक बार लाइट जाती है दो तीन दिन आती नहीं, एक बार गई तो कब आएगी किसको पता नहीं। लेकिन इतना देर क्यों किया आपने मोर्चा निकालने में? हम उनको बिजली की समस्या इतने दिन से जारी है, आप आज जागे हैं? हम उनको अल्टीमेट दे रहे हैं, वो बोला कर रहे हैं जबकि नहीं कर रहे, तो हमें ये मोर्चा निकालना पड़ा। अरे एवढी दिक्कत है लाइट ची, गेली तो 15-15 दिवस लाइट येत नाही। हां अशिवाय वर्षाचे बिल आम्ही भरतो, जर महिन्याला बिल येतं ते भरतो, आणि परत ही लोक येऊन बोलतात वर्षभर झालं तुमचा मीटर बंद आहे, परत 40,000-48,000 अशी बिल काढतात। ही सध्या मी भरलेत बिल, आता महिन्याचं मीटर बंद होने के बाद भी आ रहा है। वो लोग बोलते चालू रहते, हर महिना बिल आता है, मीटर बंद रहता तो देखो हर महिना बिल आता है, केवल स्टार्टिंग का रीडिंग देखते हैं। नहीं, हर महीना बिल देते, हर महीना हम जाके बिल भरते, फिर एक साल में आते बोलते तुम्हारा मीटर बंद था, फिर भी हमारे ऊपर 40-48,000 ऐसा बिल लगाते, फिर वो भी वसूल करते हैं, नहीं तो मीटर लेके जाते, हम बाल बच्चे कैसे रहेंगे? हमारा लाइट बिल, ये बिल दाखवा। हाँ बिल आए, लाइट नसते, आता 10 दिवस लाइट नसते, एकदा लाइट जर गेली तर 4 तास लाइट येत नाही, आणि आम्हाला बिल 2-2,000 रुपये देतात, गरिबांनी बिल भरायची कुठून? हाँ मुलांनी अभ्यास करायची कशी लाइट नसल्यावर? 10,000 पगार आले ना बिल भरणार की खाणार, फोटो भरणार की काय करणार सांगा? त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये फोटो कुठे आहे? त्याच्यामध्ये मीटरचा फोटो कुठे आहे? फोटो आहे, रेटिंग घेऊन जातात, कॉन्ट्रॅक्ट ठेवलेत, पण याच्यामध्ये फोटो कुठे आहे? हां बिल काय, लोक येडेत का बिल भरायला? आणि MSEB वाले जर गेलो ना तर काय ते उत्तर देतात? बिल पहिले भरा, नंतर आम्ही पुढचे सौत करू, तुमचं जे बिल आले ते भरा पूर्ण, नंतर आम्ही बघतो। काय बघतात? जिस तरह से सुना कि जिस तरह से काफी हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं लोग जो महावितरण के खिलाफ, इन लोगों का साफ कहना कि एक ही रीडिंग पर बार बार जो है महावितरण के तरफ से बिल भेजी जा रही है, यहाँ की जो लोग कॉल करके उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर बिजली नहीं है, उन्हें तमाम तरीके से जो बहानेबाजी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वायर टूट गया है, ऐसे करके इन्हें बहकाया। ठीक है, जिस तरह से और यहाँ पर महिलाएं हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की बिजली की समस्या आ रही है। विकास आला पाहिजे, दिव्याला लाइट मिळायलाच पाहिजे, कारण लाइटीमुळे आम्हाला किती प्रॉब्लेम आहेत माहिती आहे? लहान मुलं असतात, कामगार लोक कामाला जातात, झोपणार कधी आहे, उठणार कधी आहे, बरोबर आहे ना? आम्हाला हीच आमची मागणी आहे तुम्हाला। कितने घंटे आपके यहाँ कितने घंटे बिजली रह रही है? दो दो दस दस मिनट लाइट चली जाती, दो दो घंटा लाइट चली जाती है। पानी येणार कुठून? चार दिवस झालं पाणी नाही आम्हाला। मरायचं का? मरायचं मग पाणी झालं, पाणी 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 वाजून मरायचं का? आम्ही आज पब्लिक पाणी पण पाहिजे ना, लाईट पण पाहिजे, गप्पा बसला नाहीये। दिव्याचा विकास व्हायलाच पाहिजे, दिव्याचा विकास झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे। शिवसेना जिस तरह से यहाँ पर लोग काफी हंगामा मचा रहे हैं महावितरण को लेकर, कह रहे हैं कि जिस तरह से बिजली के लिए जो है यहाँ पर जो है आज आंदोलन हो रहा है, तो जिस तरह से देखा आपने यहाँ पर महावितरण को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, यानी बिजली की समस्या जो है बढ़ते ही जा रही है। लोगों का कहना है कि एक ही रीडिंग पर जो है बिल भेजी जा रही है, कोई रीडिंग लेने भी नहीं आ रहा है। इस तरह की जो है दीवा और मुंब्रा में काफी समस्याएं हैं जो जिसके लेकर जो है आज यहाँ रमाकांत मड़वी है वो इनके तरफ से जो है मेमोरेंडम देने के लिए गए हैं, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन जानकारी देने के लिए। दीवा से मोर्चा निकाला गया है, इस मोर्चे में महिलाएं सबसे आगे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं, और 10-15 दिन से लाइट नहीं है, मजबूरन मोर्चा निकालना पड़ा है, और अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है।
हम आपको बता दें ये काफिला फिलहाल सिलफाटा के सर्कल के पास ही इन्हें रोक दिया गया है। ये देख सकते हैं किस तरह से दीवावासी छतरियों के सहारे खड़े हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ठाणे के उप महापौर मड़वी और राम रिपाले कुछ नगर सेवकों के साथ बिजली विभाग के अधिकारी से मीटिंग किया है। हम फिर एक बार आपको डायघर पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं जहाँ पर मीटिंग किया जा रहा है, जहाँ से हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं और इस पूरे मामले में उप महापौर मड़वी और राम रिपाले ने क्या कुछ कहा है। सर आपकी किस तरह की जो है महावितरण से आज मांग? देखो दीवावासियों को जो 12-12, 16-16 तास MSCB का लाइट के डिसकनेक्शन का जो प्रॉब्लम था उसका वो जो सप्लाई है वो सप्लाई कॉन्स्टेंट रहने के लिए हम लोग यहाँ आज आए थे, वो मांग हमने रखी थी। क्या क्या आप लोगों की मांग थी? ऐसा बताया जा रहा है कि केबल और ट्रांसफार्मर की दीवा में कुछ मांग की। दीवा में जो 15 ट्रांसफार्मर की हम लोग ने मांग की थी उसमें से 5 ट्रांसफार्मर उन्होंने सैंक्शन किए और आज 3 ट्रांसफार्मर का काम वो आज से चालू कर रहे हैं। तो ये जो आज मोर्चा आया था तो आपको यहाँ से मोर्चे के लिए किस तरह का आश्वासन दिया गया? नहीं उन्होंने हमारे जो मेन जो दीवा में आने वाले सप्लाई जो दो एक मैराथन सबस्टेशन से आने वाला और एक रिवर्ड सबस्टेशन से दोनों सबस्टेशन का काम केबल का काम वो लोग एक महीने के अंदर चालू करने वाले हैं और जो भी केबल दीवावासियों की लगेगी वो अवेलेबल करके देने वाले हैं। सर किस तरह से आज शिवसेना की तरफ से जो मोर्चा निकाला गया था तो कहीं ना कहीं देर में क्यों निकाला गया? जिस तरह से बिजली की समस्या लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से देर होगी? नहीं बिजली की समस्या दीवा में तो बहुत सालों से है लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है कि हम लोग 8 दिन में 15 दिन में ये उलझन सुलझाएंगे लेकिन उन्होंने उनका समस्या का हल न करने की वजह से आज भारी मात्रा में दीवावासी यहाँ पर महावितरण कंपनी के पास आए हैं। उनके ऑफिसर्स को हमने पूछा कि ये उलझन कब सुलझ जाएगी, ये समस्या का हल कभी होगा, तभी अभी उन्होंने एक महीने का टाइम मांगा है और हमें उन्होंने जवाब दिया है कि एक महीने में सारी समस्या हल हो जाएगी। अगर सारी समस्या हल नहीं होगी तो शिवसेना स्टाइल में हम लोग उनको जवाब दे देंगे। और जिस तरह से हमने जो मोर्चा लेकर आए हैं उसमें महिलाओं से हमने भी बात की तो उन लोगों का साफ कहना है कि एक ही रीडिंग पे बार बार बिल भेजी जाती है, रीडिंग चेक करने के लिए कोई नहीं आता है और एक एक घर पर 28,000-30,000 बिल आता है। नहीं यही सवाल भी हमने खड़ा किया है ऑफिसर्स के पास, उन्होंने अभी मैन पावर देने का वादा किया है कि अतिरिक्त मैन पावर अभी 10-12 तुरंत कल से वो देंगे हम, इसके लिए वो भी समस्या का हल हो जाएगा। नहीं एक महीने के अंदर सारी समस्या हल करने का उन्होंने वचन दिया है, आश्वासन दिया है, अगर वो हल करते हैं तो ठीक है नहीं तो शिवसेना है, शिवसेना अपनी स्टाइल से काम करती है, लोगों के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। जिस तरह से वहाँ की महिलाओं ने बताया कि जब तक हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ से गए हुए हैं वो आकर हमें क्या बताते हैं, आश्वासन किस तरह से मिलता है, उसके बाद ही जो है हम मोर्चा ख़त्म करेंगे, तो अभी क्या आप मोर्चा जो निकाला गया वो ख़त्म किया? अभी वही हम लोग जा रहे हैं, उनको सारी जो जो चर्चा हुई है उनका समस्या का हल तो ज़रूर निकलेगा वही बताने के लिए, और अपने उप महापौर रमाकांत मड़वी जी है और सारे यहाँ के नगर सेवक विभाग प्रमुख उप शाखा प्रमुख जिला परिषद सदस्य सारे के नेतृत्व में ये भारी मोर्चा आया है, अभी उनको बताने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आपने सुना उप महापौर मड़वी और राम रिपाले ने क्या कहा। फिलहाल अधिकारियों ने आश्वासन दिया है एक महीने के भीतर दीवा की जो बिजली की समस्या है उसे दूर करेंगे और फिर जाकर 3:30 बजे मोर्चा खत्म हुआ है। राम रिपाले ने यह भी कहा अगर एक महीने में दीवा में बिजली की समस्या ठीक नहीं हुआ तो शिवसेना है, शिवसेना अपनी स्टाइल में नजर आएगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।